बाबा विश्वनाथ की नगरी में भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पश्चात ये मेरी पहली यात्रा है। और इस यात्रा का एक सुखद अनुभव और अविस्मरणीय अनुभव है। लोक मान्यता है कि निरंतर अस्तित्व में बनी रहने वाली वाराणसी विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है। लगातार अस्तित्व में बने रहने के लिए बदलते हुए युग के साथ आधुनिक पद्धतियों को अपनाना भी आवश्यक होता है। और इस नगरी की विशेषता यही है कि प्राचीन परंपराओं को निभाने के साथ साथ आधुनिक बदलाव को अपनाने का यह समन्वय वाराणसी की विशेषता कही जा सकती है। वाराणसी में प्राचीन भारत से लेकर 21वीं सदी के भारत को एक साथ ही देखा जा सकता है। यहाँ एक तरफ आप सब वैदिक कर्मकांड और गंगा आरती देखते हैं, तो दूसरी ओर IIT, BHU तथा अन्य संस्थानों में आधुनिकतम प्रयोगशालाओं में अनुभव कार्य चल रहे हो रहे हैं, वो भी देखते हैं। इसी समन्वय के साथ वाराणसी आज स्पिरिचुअल सिटी से स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। व्यापार सुविधा केंद्र के रूप में स्थापित जिस संकुल में हम बैठे हुए हैं, श्री दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल, तथा इस परिसर में आधुनिकतम तकनीक से युक्त यह नया सभागार वाराणसी में पिछले कुछ वर्षों से हो रहे बदलाव का प्रतीक बन गया है। इस सभागार में प्रवेश करने के पहले मुझे बाहर लगी हुई प्रदर्शनी देखने का अवसर मिला, बहुत अच्छी है। और मैं आप सब लोगों से भी अपील करूंगा कि कार्यक्रम के पश्चात उस प्रदर्शनी को अवश्य देखें। ये प्रदर्शनी बदलते हुए भारत की एक तस्वीर है, एक झलक है। आज सौभाग्य से NHAI की जिन परियोजनाओं का श्री गणेश किया गया है, वे वाराणसी और आसपास के क्षेत्र की यातायात सुविधा को बहुत मजबूत और सुगम बनाएंगे। जैसा कि बताया गया है, 5 प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी लंबाई लगभग 170 किलोमीटर, उसमें कुछ रोड्स CC रोड हैं, कुछ डामरीकृत रोड होंगे, लेकिन इनको 2 फेजेस में बांटा गया। और इसीलिए सबसे पहले मुझे भी लग रहा था कि 2 प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, तो ये केवल 2 प्रोजेक्ट्स क्यों हैं, जबकि मुझे तो 5 प्रोजेक्ट्स बताए गए थे। तो मैंने NHAI के चेयरमैन बैठे हुए, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये 5 प्रोजेक्ट्स कौन कौन से, तो उन्होंने उसका उल्लेख किया कि ये 2 समूहों में 5 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास आज हो रहा है। एक वाराणसी रिंग रोड जिसके कि 2 प्रोजेक्ट है, और उसी की हम लोग प्रारंभ से उसी की चर्चा कर रहे थे, लेकिन 3 प्रोजेक्ट, एक जिसका बाद में उल्लेख किया, वाराणसी हनुमाना रोड, ये NH7 है, उसके 3 प्रोजेक्ट है। अर्थात टोटल आज जिनका शिलान्यास या श्री गणेश हो रहा है वो टोटल 5 प्रोजेक्ट है। हम सब लोग समझ सकते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के जो कंप्लीशन होंगे उसके पश्चात यहाँ के सभी निवासियों का जीवन अधिक सुविधाजनक हो सकेगा, साथ ही आप सबके लिए विकास के नए अवसर भी मिलेंगे। मुझे इन परियोजनाओं की शुरुआत करके आज बहुत प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब लोग जानते हैं
उत्तर प्रदेश मेरा अपना गृह प्रदेश है और यहाँ पर बहुत सारी जो यहाँ की कठिनाइयाँ हैं उनको मैंने देखा है। और जब मैं आया तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की कि एक आपकी योजना थी अंडरग्राउंड केबल के द्वारा बिजली के तारों का। पहले भी मैं जब आता था वाराणसी तो देखता था, जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाता था तो देखता था कि रास्ते में सड़क इधर है, दूसरी सड़क है, दूसरी तरफ दो पोल लगे हुए, इधर से भी तार जा रहे, उधर से भी तार, और कभी कभी इतना भय लगता था हर कोई किसी को भी, और दुर्घटनाएं होती थी, ये बात सच है। और उस दिशा में मुझे प्रसन्नता इस बात की हुई कि केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश सरकार ने जो सबसे पहली योजना शुरू की है अंडरग्राउंड केबल की, जो बिजली के तारों को बिछाने की, वो सबसे पहली शुरुआत वाराणसी से हुई है। और मुझे विश्वास है, मुझे बताया गया कि मैंने पूछा कि प्रगति क्या, स्टेटस क्या है, तो बताया गया कि जो ओल्ड सिटी है जिसको हम पुराना ओल्ड काशी कहते हैं, वहां पर ये कार्य लगभग पूरा हो चुका है 3 किलोमीटर का। अब जो बाहरी प्रोजेक्ट है उस पर काम चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बिजली की चोरी होती थी और जो बिजली से होने वाली दुर्घटनाएं होती थी उससे मुक्ति पाने के लिए ये एक बहुत सराहनीय कदम है, और मैं प्रदेश सरकार की बहुत इसके लिए सराहना करता हूँ। आज यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर नियुक्ति पत्र पाने वाले, मुझे बताया गया कि लगभग 3000 प्रशिक्षित और कौशल युक्त सभी युवा अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए देश के विकास की प्रक्रिया में जुड़ने वाले हैं। मुझे आप सभी को नियुक्ति पत्र जो प्राप्त हुए हैं और होने वाले हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। साथ ही इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी तथा उनकी पूरी टीम को भी इस अवसर पर बधाई देता हूँ। भाई और बहनों, इस वाराणसी क्षेत्र को अनेक विभूतियों ने अपने ज्ञान और विवेक से प्रकाशित किया है। यहीं सारनाथ में लगभग 2600 साल पहले गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। आदि शंकराचार्य से लेकर गुरु नानक तक सभी ज्ञानी और संत शिरोमणि यहाँ आते रहे। इसी पवित्र धरती पर जन्म लेने वाले संत कबीर और संत रविदास ने ज्ञान, समता और सौहार्द का प्रकाश फैलाया, और यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास ने कई वर्षों तक ईश्वर और काव्य की साधना की। लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भगवान दास, उस्ताद बिस्मिल्ला खां और पंडित रविशंकर के रूप में भारत रत्न से अलंकृत 4 विभूतियों ने वाराणसी की धरती पर जन्म। इसके अलावा वाराणसी से ही महामना मदन मोहन मालवीय की जो कर्मस्थली रही है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश में मात्र वाराणसी ही एक ऐसा शहर है जहां से वहां यहां के सपूतों ने, 5-5 सपूतों ने भारत रत्न प्राप्त करने का गौरव किया। अतीत में वाराणसी ने प्रदेश को कई मुख्यमंत्री भी प्रदान किए हैं, लेकिन पहली बार यहाँ के सांसद ने देश के प्रधानमंत्री के पद को संभाला। मुझे लगता है ये वाराणसी के निवासियों के लिए गौरव की बात है। एक सांसद के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी के विकास के लिए, हम सब जानते हैं, सतत प्रयत्नशील रहते हैं। उन्होंने वाराणसी को सचमुच में विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर दिया। इसीलिए विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ की गौरवशाली परंपरा को देखने के लिए आते हैं। पिछले वर्ष जापान के प्रधानमंत्री और हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति वाराणसी के आकर्षण के कारण यहाँ आए थे। 3-4 दिन पहले
जर्मनी के राष्ट्रपति भी भ्रमण के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। अध्यात्म और ज्ञान की इस नगरी से मेरा भी बहुत पुराना संबंध रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ परिचित चेहरे भी हैं। कभी कभी तो मुझे यहाँ पर एक एक सप्ताह 15-15 दिन तक रुकने का अवसर मिला था। यहाँ की जो बहुत सारी जो एक संस्कृति है, स्थानीय संस्कृति, उसमें मैं भी बहुत कुछ ढल गया था। कुछ दिनों पहले जब फ्रांस के राष्ट्रपति जी भारत आए थे तो मुझे उनको एक तोहफा देना चाहता था, तो मुझे लगा कि कौन सा हो सकता है। लेकिन जब ये मेरी जानकारी में आया कि वो वाराणसी भी आए थे, तो मुझे लगा कि मैंने उनको फिर एक वाराणसी के बारे में एक बहुत सुंदर पुस्तक जो थी वो मैंने उनको भेंट की। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा वाराणसी तो मैं हो आया, लेकिन वाराणसी को की यादों को मैं कैसे सजो करके रखूंगा, उसके लिए मैं बहुत चिंतित था। और वो मेरी चिंता आपने दूर कर दी जो वाराणसी के बारे में मुझे पुस्तक। प्राचीन काल से ही वाराणसी शहर गंगा नदी पर विकसित जलमार्गों तथा सड़क परिवहन के जरिए उत्तर भारत को पूर्वी भारत से जोड़ता रहा। गंगा नदी संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ व्यापार और विकास की धाराओं को भी प्रवाहित करती रही। आज नेशनल वाटरवे 1, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा NHAI के राजमार्गों के माध्यम से वाराणसी भारत के उत्तर राज्यों के लिए पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार बन रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, वाराणसी को आर्थिक विकास की धुरी बनाने के लिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का तेजी से विकास हो रहा है। यहाँ बन रहे मल्टी मॉडल टर्मिनल के पास एक फ्रेट विलेज विकसित करने की योजना है। इससे सड़क, रेल और जल मार्ग के जरिए सामान ले जाना सुविधाजनक हो सकेगा। नेशनल वाटरवे 1 गंगा जल मार्ग के जरिए वाराणसी को इलाहाबाद से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक के व्यापारिक केंद्रों से जोड़ेगा। इस वाटरवे पर पटना और वाराणसी के बीच क्रूज वेसल्स चलाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। भारत सरकार गंगा नदी की स्वच्छता और उसके तटों पर बसे क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। वाराणसी में नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम शुरू हो गया है और साथ ही घाटों के सुधार आदि का कार्य भी प्रगति पर है। सफाई के कारण अब गंगा नदी के घाटों की सुंदरता दिखने लगी है। यह कार्य प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जन भागीदारी से ही संभव हो सका है, इसलिए मैं इस सराहनीय कार्य के लिए वाराणसी की जनता को बधाई देता हूं। वाराणसी में पर्यटन के विकास की क्षमता का उपयोग करने से रोजगार के बहुत से अवसर पैदा हो रहे हैं। वाराणसी के घाटों और मंदिरों तथा यहां से थोड़ी ही दूर पर स्थित विंध्यवासिनी मंदिर जैसे धार्मिक स्थानों के प्रति भारतवासियों में बहुत श्रद्धा और आकर्षण का भाव है। वाराणसी बुद्धिस्ट सर्किट का भी हिस्सा है। यहाँ भारतीय संस्कृति से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण स्थान लोगों को आकर्षित करते रहे। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना अर्थात हृदय योजना के तहत इस वाराणसी शहर की सड़कें सुधारी जा रही है। इसी प्रकार पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव अर्थात प्रसाद योजना के तहत सारनाथ में कार्य प्रगति पर है। वाराणसी में समावेशी और आधुनिक विकास के हर एक पहलू पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास विकास आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों को आवास देने के कार्य में पिछले एक साल के दौरान तेजी आई है। बड़ी संख्या में ऐसे परिवारों को वाराणसी में आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वाराणसी का हस्तशिल्प बहुत ही कलात्मक, प्रसिद्ध और लोकप्रिय रहा है। बनारसी साड़ी और कालीन बनाने वाले बुनकरों का हुनर पूरी दुनिया में मशहूर है। वाराणसी के कुशल हस्तशिल्पियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनके उत्पादों को
बाजार से जोड़ने में सहायता प्रदान करने के लिए अनेक प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 1,00,000 बुनकर भाइयों और बहनों को सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया है। यह हस्तकला संकुल वाराणसी क्षेत्र के कारीगरों को सुविधा प्रदान करने, उनकी आमदनी बढ़ाने और नए रोजगार पैदा करने में सहायक होगा। वाराणसी की विरासत का देश विदेश में जो सम्मान है, यहाँ के लोगों में जो प्रतिभा और कौशल है, यहाँ प्राचीन और आधुनिक ज्ञान की जो परंपरा है, उन सबको आज एक नई ऊर्जा के साथ आधुनिक विकास से जोड़ने का सम्मिलित प्रयास केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अपने शहर के प्राचीन गौरव को समेटे हुए वाराणसी के लोग इसे 21वीं सदी की स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पूरी तरह से उत्साहित हैं। आप सबके उत्साह को केंद्र और राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रयासों से सही दिशा और गति प्राप्त हो रही है। मुझे विश्वास है कि वाराणसी के सांस्कृतिक आत्मा को बचाए रखते हुए यहाँ के प्रतिभाशाली लोग निकट भविष्य में भी इस शहर का आधुनिकता पूर्ण कायाकल्प करने में सफल होंगे। ये आध्यात्मिक नगरी विकास के अवसरों की नगरी के रूप में भी प्रतिष्ठित होगी। मैं वाराणसी और वाराणसी वासियों के सुखद और समृद्धि पूर्ण भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।